गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो यार वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन ऐप में आना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में, जो कि सेकंड नंबर का साइज है। अब यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो फोल्डर में आपका फोटो है ना, सिंपली आपको यहाँ पर अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एचपीएनजी पे यहाँ पे सेलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव करके, सेव पे क्लिक करना है, इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट करना है एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड यहाँ पे शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेज में एक्सपोर्ट करना है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, इसी प्रकार से आपको टोटल 6 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। ओके, तो फोटो जो क्रॉप करने का प्रोसेस है वही सेम है, बस आपको फोटो चेंज कर देना है, मतलब अलग अलग फोटो एड कर करके आपको इसी प्रकार से ट्रिम करके सेव कर देना है, मतलब फिल कंपोजिशन एरिया करके। सो जिसमें कि मैंने 3 फोटो को क्रॉप कर लिया, और 3 फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस मैंने जो फोटो को क्रॉप कर लिया, अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है और इस प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। अब बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। अब जैसे बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको नीचे सेलेक्ट करके आ जाना है और यहाँ पर एक लेयर दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है आसिफ टेक इमेज, इस लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर कलर एंड फिल वाले आइकन पर क्लिक करके इस टैक्स पर क्लिक करना है। ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, आपने जो फोटो को क्रॉप किया है वो क्रॉपेड फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पहला फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, इस प्रकार से आपको फोटो जो है ना वो ऐड हो जाएगा इसमें। अब आपको सिलेक्ट करके आगे जाना है और 6 सेकेंड पर आ जाना है, यहाँ पर आपको छोटा छोटा लेयर्स दिखाई देगा, आपको क्या करना है ये जो है ना इन सभी लेयर्स में आपको फोटो ऐड करना है। तो फोटो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में उतना अच्छे से शायद नहीं समझा पाऊंगा तो इसलिए पहले ही बता देता हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ से 6 सेकंड से लेकर यहाँ तक जो है ना 8 सेकंड जो डबल बीट मार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो आपको डबल बीट मार्क दिख रहा है, यहाँ तक आपको सेम फोटो एडिट करना है इन चारों लेयर में। ओके, फिर ये जो डबल बीट मार्क है, यहाँ से इस डबल बीट मार्क से लेकर यहाँ पे जो है ना 10 सेकंड पर जो डबल बीट मार्क है, इसके बीच में जो 5 लेयर है, इन 5 लेयर में सेम फोटो को एडिट करना है, यानी कि किसी एक ही फोटो को एडिट करना है। फिर 10 सेकंड से लेकर यहाँ तक 12 सेकंड तक किसी एक फोटो को एडिट करना है, फिर 13 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक किसी एक फोटो को एडिट करना है, फिर यहाँ से लेकर लास्ट तक तो एक ही फोटो को एड करना है। किस प्रकार से एड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जैसे कि यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, इस टैक्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इस फोटो को एड किया, तो आगे डबल बीट मार्क तक अब मैं यही फोटो को एड करूँगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोला था कि आपको एक ही फोटो एड करना है, यानी कि सेम फोटो को एड करना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो ये मेरा जो डबल बीट मार्क आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर में इसको एड कर लिया है सेम फोटो को। फिर जैसे डबल बीट मार्क आएगा आपको फोटो चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैं फोटो को चेंज कर देता हूँ। अब इसके आगे जो ये जो छोटा छोटा लेयर है, इन सभी लेयर्स में आपको यही फोटो को ऐड करना है जो फोटो को अभी आपने ऐड किया है। तो उसके बाद आगे डबल बीट मार्क आपको दिख रहा है, वो डबल बीट मार्क आप पहुँच जाओगे, उसके बाद आप फिर से फोटो चेंज कर देना। ओके, उससे पहले आप यही फोटो को आपको ऐड करते रहना इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैंने आपको 2 बार समझा ही दिया है तो अब तो समझ में आ गया होगा ना। सो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, इस प्रकार से आपको फोटो को ऐड करना है। तो ये फोटो ऐड हो गया इस प्रकार से, एंड उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे डबल बीट मार्क आएगा तो फोटो चेंज कर देना है। तो फोटो इस प्रकार से ऐड करना है, लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको सही फोटोज़ को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी इन सही फोटो को ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे डबल बीट मार्क आएगा आपको फिर से फोटो चेंज कर देना है। ओके, तो डबल बीट मार्क से लेकर डबल बीट मार्क तक आपको एक फोटो को यूज करना है। फिर जैसे डबल बीट मार्क के आगे वाला लेयर आएगा उसमें आपको फोटो चेंज कर देना है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार से आपको फोटो को ऐड कर लेना है।
सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिस प्रकार से मैंने आपको बोला था उसी प्रकार से मैंने सारी फोटो को एडिट कर लिया है। ओके तो इस प्रकार से फोटो एडिट कर लोगे। अब यहाँ से आपको बैक आना है और सर्टिफिकेट प्रीसेट को ओपन करके इस डब्बे वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट अल लेयर करना है। नीचे से एक इमेज को अनटिक करके इस डब्बे वाले आइकन पे फिर से क्लिक करना है और कॉपी 7 लेयर करना है। यहाँ से बैक आके बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और शुरू में इस डब्बे वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट 7 लेयर कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना।